नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में उद्योग के लिए 6,199 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, मंत्री शहनवाज हुसैन बोले जल्द पूरा होगा आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प। बिहार में सीनियर रेजिडेंट के लिए निकली बंपर नियुक्ति, 1797 पदों पर भर्ती के लिए आगे देखें डिटेल्स। पटना के IGMS में अब एक साथ 35 मरीजों की हो सकेगी डायलिसिस, 6 करोड़ की लागत से बन रहा है यूनिट। बिहार में अब 13 साल तक के बच्चों पर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा, जानिए क्या है लक्षण। गर्म और तेज धूप में घर से निकलने पर हीट स्ट्रोक का खतरा, लू से बचने के लिए इन उपायों का करें पालन। मेडिकल में लड़कियों के आरक्षण से लड़कों के लिए कंपटीशन हुआ और मुश्किल, पिछले वर्ष भी 40% सीटों पर था छात्राओं का कब्जा। बिहार में एनेस्थेटिस्ट नहीं होने से बेकार पड़े थे 66 वेंटिलेटर, सरकार ने की समीक्षा तो सामने आया सच। देश में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ गई है। बिहार में भी आर्थिक गतिविधि पर कोरोना की वजह से काफी असर पड़ा है, लेकिन बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रस्तावों पर कोरोना महामारी का कोई असर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मौजूदा NDA सरकार के गठन के बाद से अब तक बिहार में उद्योग लगाने के लिए 6,199 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आ चुके हैं। बिहार के सभी जिलों के लिए इथेनॉल उत्पादन, ऑक्सीजन उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और रबर जैसे विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग निवेश प्राप्त हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिले में सबसे अधिक 1,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, यानी इन दो जिलों को मिलाकर 200 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट state.bihar.gov.in पर स्वास्थ्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बिहार सीनियर रेजिडेंट भर्ती 2021 के लिए 7 जून से 20 जून 2021 तक bcecebord.bihar.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख 7 जून 2021 है, जबकि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 20 जून 2021 रखी गई है। इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 21 जून 2021 है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किडनी डायलिसिस से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही IGMS में एक साथ 35 मरीजों की डायलिसिस संभव हो सकेगी। शुक्रवार को संस्थान के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास ने नए डायलिसिस यूनिट का भूमि पूजन किया है। जानकारी देते हुए डॉक्टर विश्वास ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत 6 करोड़ की लागत से बनने वाले नए इस डायलिसिस यूनिट में कई सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी। उम्मीद है कि अगले साल गणतंत्र दिवस तक इसका उद्घाटन होगा। यूनिट में 22 और डायलिसिस मशीनें होंगी। वर्तमान में 12 मशीनें हैं, ऐसे में 22 और मशीनें आने पर एक साथ 35 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा। ऐसे में अब रोजाना 100 से अधिक मरीजों की ही एक दिन में डायलिसिस होगी। भूमि पूजन में किडनी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर अमरेश कृष्णा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीतपाल, अजय साहनी आदि उपस्थित थे। यदि बच्चे को 3 दिन से ज्यादा बुखार है, उसे डायरिया, शरीर में लाल दाने व चकते के अलावा आंखें लाल आदि के लक्षण लगते हैं तो अलर्ट हो जाएं। यह मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS बीमारी के लक्षण है। शहर के PMCH, IGMS व पटना एम्स के अलावा निजी अस्पतालों में दर्जन भर से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। IGMS के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने कोविड का इलाज कराने आ रहे मरीजों के परिजनों को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि MIS पोस्ट कोविड बच्चों में ज्यादा हो रहा है जिनकी कोविड RT-PCR निगेटिव है, लेकिन CRP यानी रिएक्टिव प्रोटीन और डी डाइमर आदि की मात्रा बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि इलाज में देर होने पर यह बच्चों के गुर्दा, दिल, लीवर समेत दूसरे अंगों को प्रभावित कर सकता है। यास तूफान का असर कम होने के बाद जिले के तापमान में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही गर्म हवा और चिलचिलाती धूप का प्रभाव काफी है, ऐसे में लू लगने की काफी संभावना है। कई बार लू लगने के कारण मौत भी हो जाती है। हीट स्ट्रोक या लू से बचने के लिए सतर्कता की जानकारी जरूरी है। खानपान सहित धूप में बाहर जाने के दौरान सावधानियां बरतें जिससे कोई अनहोनी नहीं हो। शरीर में पानी की कमी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा गर्म हवा और धूप में लगातार
काम करने या बाहर निकलने, गर्म मौसम में अधिक कपड़े पहनने, शराब का सेवन करने आदि से लू लगता है। नीट 2020 में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की ओर से बिहार स्टेट मेघा सूची के अनुसार टॉप के 1000 स्टूडेंट में 612 छात्र तथा 388 छात्राएं शामिल थी। मेघा सूची में छात्राओं की भागीदारी 39% रही। यह प्रतिशत इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेघा सूची के प्रथम 1000 रैंक में 388 छात्राएं शामिल थी, वहीं एडमिशन में करीब छात्राओं की भागीदारी 40% रही। गोल संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह ने बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में बिहार से 60% से अधिक परीक्षार्थी लड़के होते हैं और मेडिकल कॉलेज में 60% के लगभग लड़कों को एडमिशन प्राप्त होता है। इस रिजर्वेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद मेडिकल कॉलेज में लड़कियों का एडमिशन जहां पहले 40% के आसपास होता था, वहीं अब 73% या उससे अधिक होगा। ऐसे में लड़कों के लिए सिर्फ 27% या उससे कम सीटों पर ही एडमिशन की संभावना होगी। ऐसे में छात्रों के लिए यह प्रतियोगिता काफी कठिन हो जाएगा। कोरोना महामारी से जूझ रहे बिहार के 18 जिलों में आईसीयू का संचालन और वेंटिलेटर मशीन चलाने वाले कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं है। इसका नतीजा हुआ कि इन जिलों में भेजे गए 66 वेंटिलेटर कोरोना के चरम समय में भी बेकार पड़े रहे। अब इन सभी 66 वेंटिलेटर को राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में लगाने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलों में भेजे गए वेंटिलेटर की समीक्षा की गई तो पता चला कि जिन जिलों में इसे भेजा गया है वहां पर इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे जिले जहां वेंटिलेटर अनुपयोगी पड़े थे उनमें गोपालगंज, बांका, भागलपुर, खगड़िया, कैमूर, जमुई और भोजपुर में 6-6, मधेपुरा, बक्सर और लखीसराय में 4-4, सीवान, किशनगंज, रोहतास और पूर्णिया में 2-2 तथा मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी और जहानाबाद में 1-1 वेंटिलेटर शामिल है। विभाग ने जिलों में बेकार पड़े वेंटिलेटर को लेकर उन जिलों के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है जहां पर एनेस्थेटिस्ट रहते हुए वेंटिलेटर बेकार पड़े रहे हैं। लापरवाही का आलम ऐसा रहा कि मरीज वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के लिए इंतजार करते रहे, जबकि अररिया, सारण, नालंदा और सीतामढ़ी जिला में 3-3 एनेस्थेटिस्ट रहते हुए भी वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया गया। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। अब नई जातियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार ने उनके लिए प्रमाण पत्र जारी करेगी जिससे उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बिहार में फरवरी 2019 से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान लागू है। इसके तहत वैसी जाति के गरीबों को आरक्षण मिलता है जो पहले से किसी और आरक्षण के दायरे में नहीं है, यानी वैसे जातियों के लोगों को ये आरक्षण मिलता है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या अन्य वर्ग के आरक्षण के दायरे में नहीं आते। बिहार में ऐसी 9 जातियां चिन्हित किया जा चुका है जिनके गरीबों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ मिल रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के साथ ही उससे उत्पन्न ब्लैक फंगस से बचाव की गंभीर कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि दवाओं की उपलब्धता पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज पर सरकार द्वारा प्रति मरीज 4-5 लाख तक की दवा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जा रही है। इससे गरीबों की जान को बचाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ब्लैक फंगस से बचाव की दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की अब तक लगभग 14,000 वायल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है। बिहार में कोरोना के मामले अब तेजी से घट रहे हैं, वहीं सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राजद पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अस्पतालों की हालत और अंदर की व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। शुक्रवार को लालू यादव के बड़े बेटे व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अचानक हाजीपुर अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने मरीजों के हाल जाना और अस्पताल की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। तेज प्रताप यादव शुक्रवार को हाजीपुर अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, प्रसव वार्ड, सीएस कार्यालय समेत अस्पताल परिसर का मुआयना किया। इस दौरान तेज प्रताप मीडिया से भी मुखाबिर हुए और अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने मरीजों के लिए बेडशीट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर न होने तक की बात कही। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।